जॉन सीना ने कुछ पैसे के लिए मोल ले ली इतनी बड़ी आफत जो कि उनको लाखों में क्या करोड़ों में चुकानी पड़ेगी, उसी के साथ साथ उन्हें जेल भी हो सकती है उसके लिए। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जॉन सीना ने ऐसा क्या किया। तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन। चलिए वीडियो में चलते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या हुआ, जॉन सीना ने फोर्ड से कहा कि मुझे आपकी जो आने वाली कार है फोर्ड जीटी वो चाहिए, और फोर्ड ने काफी सारे लोगों में से जॉन सीना को चुना पहले ट्रायल के लिए देने के लिए वो कार। वो कार बहुत महंगी है, हालांकि उसका प्राइस अभी तक नहीं बताया गया, बट वो 2-3 करोड़ से ऊपर ही रहेगी कार। तो जॉन सीना का नंबर वो कार लेने में आ गया था और जॉन सीना ने वो कार को ले लिया। बट साइन करते टाइम जॉन सीना ने एक और जगह पर साइन किया था जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट था कि जॉन सीना अगले 2 साल के लिए वो कार नहीं बेच सकते। उसी के साथ साथ अगले 2 साल तक इस कार का कोई भी एक्सीडेंटल इशू, जो कि यानी कि उनकी तरफ से कोई भी एक्सीडेंटल इशू नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से कि ये कार बहुत ज्यादा पब्लिकली हो जाए। और इसी के साथ साथ ब्रांडिंग पुरानी थी और वो ब्रांडिंग भी चेंज नहीं कर सकते थे। जॉन सीना ने हालांकि और कुछ तो चेंज नहीं किया, बट जॉन सीना ने कुछ पैसों के लालच में वो कंपनी की कार बेच दी जो कि पहले ही रिलीज नहीं हुई थी, जिसकी वजह से कि जॉन सीना को कोर्ट केस हो चुका है। और फोर्ड की कार थी वो फोर्ड जीटी, और फोर्ड का ऑफिशियल लॉयर जो है वो कह रहा है अगर जॉन सीना प्रॉपर बॉन्ड नहीं भर पाते तो उन्हें जेल हो सकती है, टाइम पर नहीं भर सकते या फिर वहां पर कोर्ट की पेशी पर नहीं पहुंचेंगे तो उन्हें जेल हो सकती है, उनके लिए अरेस्ट वारंट निकल सकता है। मान लीजिए अगर वो कार 1 करोड़ रुपए की थी, हालांकि अगर वो लगाए तो वो कार 2-3 करोड़ से कम नहीं होगी, बट अगर वो 1 करोड़ की थी और जॉन सीना ने 3 करोड़ में मान लीजिएगा आगे बेच दी, और अब जॉन सीना को वो कार 3 करोड़ में या फिर उससे ज्यादा उस बंदे से खरीदनी ही पड़ेगी, यूएस ऑर्डर जो कि आएंगे यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे कि वो कार वापस तो आ जाएगी बट जॉन सीना को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद वो पैसे सारे पानी में, बिकॉज वो कार वापस जॉन सीना को फोर्ड को करनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ चलते हुए जॉन सीना को कार का ऑफिशियल प्राइस से 35% का टैक्स भी भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को, यानी कि वो बॉन्ड ही होता है, कुछ चला जाता है वो यूएस गवर्नमेंट को और कुछ वो फोर्ड को जाएगा। मान लीजिए अगर वो 1 करोड़ की कार है, जॉन सीना 3 करोड़ रुपए वहां से खरीद कर भी वो कार लेंगे, उसी के साथ साथ जॉन सीना को 35 लाख रुपए जो है वहां पर देने भी पड़ेंगे, जो कि 35% का फॉर्मूला निकल कर आता है। बट जॉन सीना के लिए कुछ खास ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मुझे पता नहीं जॉन सीना ने ऐसा क्यों किया, बाकी अभी तक जॉन सीना की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं निकल कर आई। जॉन सीना पैसे काफी ज्यादा बना लेते हैं फिल्मों से या फिर उनकी जो आने वाली फिल्म है, उसी के साथ साथ उन्होंने साइन किया है और WWE में से मल्टी मिलियंस बनाने वाला आदमी कुछ मिलियंस या फिर कुछ चंद पैसों के लिए ऐसा क्यों करता है। इसके पीछे या तो जॉन सीना की कुछ बड़ी मजबूरी रही होगी या फिर कुछ भी हो सकता है, जो भी है जॉन सीना के लिए आसान ही है ये पैसे देने, बिकॉज जॉन सीना की नेटवर्क भी $35 मिलियन है। अगर $1 मिलियन चला भी जाए तो कुछ खास ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं जॉन सीना को। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक वीडियो देख ले तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन।